नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन के हर मंसूबे को रौंदने का प्लान तैयार है। एक ऐसी पुख्ता रणनीति बनाई गई है जिससे ड्रैगन की हर चाल को मात मिलेगी। भारत ने पिछले 10 साल में सीमा पर इतनी तैयारी की है कि अब कुछ मिनट में चीन की हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्मी व्हीकल और हाईटेक हथियारों के रिपेयर के लिए भी वर्कशॉप बनाया गया है और ऐसी ही तैयारी समंदर में की है। यानी ड्रैगन के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए भारत की रणनीति से आखिर क्यों घबरा रहा है चीन। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। जो गर्जना आप देख रहे हैं यही तो भारत शक्ति है। चौदह हजार फीट की ऊंचाई पर ये वो आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपके जो हेलीकॉप्टर है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, बल्कि भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी उतारा जा सकता है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। जब हम इन इलाकों में पहुंचे हैं तो ना सिर्फ हम इन इलाकों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत ने अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी आप कह सकते हैं कि जमीनी लड़ाई के लिए मजबूती हासिल कर ली है। पहले वाला भारत नहीं रहा है बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। चीन के हर चालाकी पर लगेगी लगाम। चीन की हर तिकड़म होगी नाकाम। चीन के हर मंसूबे पर लगेगा अंकुश। चीन की हर हड़प नीति होगी ध्वस्त। भारत ने आसमान से लेकर समंदर तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे ड्रैगन की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। एलएसी पर भारत की डिफेंस लाइन इतनी मजबूत हो चुकी है कि ड्रैगन ने कोई हिमाकत की तो करारा जवाब मिलना तय है। आसमान से समंदर तक न सिर्फ मजबूत डिफेंस लाइन है बल्कि चीन के मंसूबों को रौंदने के लिए उसकी घेराबंदी की रणनीति भी तैयार है।
मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में डिफेंस को लेकर कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे LOC से लेकर LAC तक भारत पहले से ज्यादा मजबूत घेरा बनाने में कामयाब हुआ है। खासतौर से लद्दाख में भारत ने चीन के विस्तारवादी मंसूबे को कुचलने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कई नए अभियान शुरू किए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कई इस साल पूरे होने जा रहे हैं। जिसमें न्योमा एयरफील्ड एक मील का पत्थर है, तय समय सीमा में इसके पूरे होने की प्रबल संभावना है। दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस से लद्दाख की पूरी डिफेंस लाइन पर न सिर्फ निगरानी रखी जा सकेगी बल्कि कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। इसके अलावा भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा आर्म्ड रिपेयरिंग सेंटर बना लिया है। DBOO सेक्टर में टैंक रिपेयर सेंटर चीन बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को ढकेलने के लिए जल्द ही भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। भारत सरकार जल्द ही इस पर काम करने जा रही है जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक दिन पहले ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि भारत जल्द ही अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है और ये भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। लद्दाख में कुछ वक्त पहले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दौरा किया था। इस दौरान न्योमा एयरफील्ड और टैंक रिपेयरिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया था। TV9 भारतवर्ष के पास न्योमा एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एयरफील्ड पर रनवे का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा पहाड़ों को चीरकर एक समतल मैदान भी तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर में न्योमा एयरबेस तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी इमरजेंसी उड़ान के लिए रनवे तैयार हो चुका है। ये PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। न्योमा एयरबेस के तैयार होने से लद्दाख में सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे और भारत चीन के हर पैंतरे का जबरदस्त जवाब दे पाएगा। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, चीन की बौखलाहट तो जरूर मिलेगी। ये जो एयरफील्ड है लेह से 180 किलोमीटर दूर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर दूर है। इसकी बदौलत आपको रिकॉनसेंस, आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। ये निगाह में रखते हुए कि चाइना ने कई नए एयरफील्ड बनाए हैं, कई नए ALGs बनाए हैं और उनके लेंथ को भी बड़ा किया है ताकि हर प्रकार के एयरफील्ड वहाँ फाइटर्स ऑपरेट कर सके। इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने भी इस माफी की कार्रवाई शुरू की है। न्योमा एयरबेस सबसे ऊंचा एयरबेस होने के साथ साथ LAC के एकदम पास है, इसलिए चीन इसको लेकर बौखला रहा है। दरअसल न्योमा एयरबेस चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है जबकि चीन से हवाई दूरी महज 15 किलोमीटर है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये एयरबेस रेडी फॉर ऑपरेशन है। सुखोई हो या तेजस या फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चिनू या C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन को उतारना हो जिसके जरिए भारी भरकम K-9 वज्र तोप को लाना हो या फिर LAC पर टैंक की तैनाती हो, न्योमा पर मौजूद एयर स्ट्रिप से ये काम बेहद आसानी से हो जाएगा। फाइटर बेस, फॉरवर्ड फाइटर बेस है, इससे चाइना के जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो इजीली एक्सेस हो सकते हैं। हमारे ट्रुप्स की जो मूवमेंट है, रीसप्लाई है, लॉजिस्टिक्स रीसप्लाई है, उसमें बहुत उछाल मिलेगा। एंड न्योमा जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ये निगाह में रखते हुए कि ये जो रिगोंगसो लेक है उसके काफ़ी नज़दीक है और रिगोंगसो इज़ वन एरिया जहाँ चाइना का हर समय हड़पने का इरादा रहता है।
पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि ये उसी वक्त से ऑपरेशनल है, लेकिन एयर स्ट्रिप की लंबाई और एयरबेस को बड़ा बनाने के लिए इस साल अक्टूबर की समय सीमा तय की गई थी। उस वक्त राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है न्योमा एयरबेस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। चीन की एलएसी पर किए गए विस्तारवादी मंसूबे का जवाब है, क्योंकि चीन ने भी एलएसी के करीब कई एयरबेस तैयार किए हैं, कई मिसाइलों की तैनाती की है। ऐसे में भारत ने भी अब न्योमा एयर स्ट्रिप को एक्टिव कर लिया है और यही वजह है कि अब चीन कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। न्योमा अपने आप में एक बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी है क्योंकि ये वो इलाका है जहां से सीधे तौर पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। न्योमा का इंपॉर्टेंस यही कि यहां पर जो समतल इलाका है, तो चीन की कोशिश रहती है कि इन्हीं स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को या फिर इन बेस को एक्सप्लोर कर यहां से घुसपैठ करने की कोशिश किया जाए। लेकिन हमारी ये जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो हमारी जो प्लेसेस है, इन्होंने भारत को इतनी ज़्यादा मजबूती दी हुई है कि आज के वक्त में चीन ऐसा सोच भी नहीं सकता। न्योमा पूर्वी लद्दाख को सुरक्षित करने वाला वायुसेना का पहला रेस्पॉन्डर बन गया है। यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग, चुशुल, गलवान में चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ये लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस है। इससे पहले लेह और थोइस में भी एयरबेस बनाए गए हैं। इसको इतना हाईटेक बनाया गया है कि इसका रेडार सिस्टम ड्रोन को नाकाम कर देगा, पहले जानकारी देगा और ड्रोन को जाम कर देगा। खास बात यह कि ना सिर्फ इससे एयरक्राफ्ट को बल्कि ड्रोन को भी मॉनिटर किया जा सकता है, यानी लो फ्लाइंग पर अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करता है तो उससे उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने ये कैपेबिलिटीज लंबे समय से डेवलप की हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये करीबन 250 से ज़्यादा टारगेट्स को या फिर उनको एक बार में रडार सिस्टम से लैस या फिर उनको हैंडल कर। न्योमा में बनी एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाकर 2.7 किलोमीटर की जा रही है। न्योमा को लेकर भारत का संदेश साफ है, भारत एलएसी पर अपनी ताकत में इजाफा करके एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो आक्रामक भी है और अभेद्य भी। एलएसी के पास भारतीय सेना जब भी वॉर ड्रिल करती है तो चीन का बौखलाना शुरू हो जाता है। न्योमा घाटी के पास भारतीय एयरफोर्स वॉर ड्रिल कर रही है और चीन बौखलाया हुआ है। वॉर ड्रिल में अपाचे MI-17S अटैकिंग हेलीकॉप्टर के साथ चिनूक और सुपर हरक्यूलिस विमान शामिल होते हैं, लेकिन जब नई एयर स्ट्रिप बन जाएगी तो राफेल की हुंकार से चीन का घबराना तय है।